तो आज हम बात करेंगे 15 अगस्त के बारे में। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी। आजादी वो सब कुछ करने की जो हम तब भी नहीं कर पाते थे और आज भी नहीं कर पाते। जैसे अब सब बता दें यहीं पे। इसके लिए आपको और हमको वीडियो में आगे चलना होगा और हमारे आगे चलने के बाद ही समझ गए। तो खोपचे में बैठ जाओ, मन करे तो लेट जाओ और देखते जाओ ये वीडियो। एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो 15 अगस्त का नाम आते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आता है। यकीन मानो कुछ लोगों ने एक हफ्ते पहले से राग लापने लगते हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन छुट्टी होती है, इसलिए लोग छुट्टी मनाने के लिए जगह खोजते रहते हैं और कुछ लोगों परिवार बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं। साला इस दिन तो छोड़ दो। अब कुछ लोगों के हिसाब से 15 अगस्त वो त्योहार है जो तो इसलिए वो लोग इसे ऐसे मनाते हैं मानो दिवाली का जन्म इसी दिन हुआ हो। हम भी लगाए क्या साउंड और डीजे लाइट्स? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो एज इट इज इस त्योहार के जाते ही उनकी फीलिंग्स हमको सड़कों पे पड़ी नजर आती है। और यार हमें तब बुरा लगता है जब 15 अगस्त के बाद हमारा ही नेशनल फ्लैग हमारी सड़कों पे और कचरों के डब्बों में नजर आता है और हमारी देशभक्ति ऐसे गायब हो जाती है जैसे राहुल गांधी ने अपना नया भाषण शुरू कर दिया हो। कुछ लोग 15 अगस्त वाले दिन झंडा लेके गाड़ियों पे ऐसी रैली निकालते हैं मानो अगली क्रांति यही लेके आने वाले हो। कुछ लोग सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के ऐसे आजादी मांगते हैं मानो मन करता है भगवान से कह के इन सबको मुक्ति दिला दूं। भैया 15 अगस्त वाले दिन कुछ लोगों का शेड्यूल पहले से फिक्स होता है। सुबह उठते बराबर टीवी के सामने ऐसे चिपक जाते हैं मानो मम्मी ने सारा फेविकॉल वहीं डाल के रखा हो। अब 15 अगस्त पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रधानमंत्री के भाषण का इतना इंतजार होता है कि प्रधानमंत्री तो अपना भाषण बाद में देता है, इनका भाषण पहले बनके तैयार होकर लाइव टेलीकास्ट हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 15 अगस्त से कोई मतलब नहीं होता, वो उस दिन भी पतंगे उड़ाते हैं। उनका केवल एक ही मकसद होता है कि पतंग उड़ाना और इसे पूजा के घर तक पहुंचाना। लड़की का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन पतंग उसी तक पहुंचनी चाहिए। अब इस पतंग काटने और कटाने के चक्कर में कुछ लोगों अपने छत से नीचे गिर जाते हैं तो कुछ लोगों नजरों से। अब अगर पतंग सही हाथों में पहुंची तो ठीक, और अगर नहीं पहुंची तो फिर सारे मामले ठंडे पड़ जाते हैं। अब 15 अगस्त पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर जगह टैटू लगाना होता है, मतलब यहाँ 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 इतने टैटू लगा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा पार्ट इंसान है और कौन सा पार्ट टैटू। भाई लोग अब तुम इतना ठहर गए हो तो कुछ असली मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मार्केट में मैंने कुछ मास्क देखे जिसपे हमारा नेशनल फ्लैग प्रिंट किया हुआ था, मतलब ये क्या हो रहा है यार। और वो धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे, लोग इसे धड़ल्ले से खरीद भी रहे थे। मतलब तुम्हारा दिमाग विमाग खराब तो नहीं हो रहा है? मतलब सचिन तेंदुलकर एक केक काटता है जिसपे इंडिया का फ्लैग बना हुआ है तो तुम उसे ट्रोल कर देते हो, लेकिन वही नेशनल फ्लैग तुम मुंह पे लगा के रोज घूमोगे, उसमें खासोगे, थूकोगे, छींकोगे और यूज करने के बाद में उसे डस्टबिन में डाल दोगे। बहुत मजा आएगा तुमको ये करने में। इसलिए मैंने अपने पूरे वीडियो में कहीं पे भी इंडिपेंडेंस डे का नाम इस्तेमाल नहीं करा है, सिर्फ 15 अगस्त बोला है, क्योंकि तुम लोग उसे इंडिपेंडेंस डे की तरह लेते ही नहीं हो। तुम्हारे हिसाब से एक छुट्टी है जिस दिन हमें घूमने जाना है, पिकनिक मनाना है, ये करना है, वो करना है, डांस करना है, पार्टी करना है, यार इसमें इंडिपेंडेंस डे कहाँ है? इसलिए मैंने दिन का ये दूसरा वीडियो बना दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट करने के अलावा भी मेरे पास में बहुत कुछ चीजें जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, ताकि लोग 15 अगस्त नहीं इंडिपेंडेंस डे बनाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार।